हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक। आपके साथ आज है 30 अप्रैल और चलिए देख लेते हैं कल रात तक के सुर्खियों से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जिसने भी अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी और वहाँ कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट ही होगा, तो उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारे अदर्स चैनल्स हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं क्या है, उसके बाद ही हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितनी दूर है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि अगर हमें सफलता पानी है, आपको सफलता पानी है, तो कभी भी ये मत कहिए कि वक्त ख़राब चल रहा है, हालात ख़राब चल रहा है, इस पर बिल्कुल नहीं। बस आपका एक टारगेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेहनत करना, उस हार्ड वर्क के पीछे ही बस लगे रहिए। क्योंकि मंजिल दूर सही दूर तो होती है, लेकिन उसमें क्या करना है, हमें हिम्मत के साथ धैर्य के साथ लगे रहना है, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितनी दूर है। तो अपने हार्ड वर्क के को लेकर के उसमें बिल्कुल वो मत करिए, आप हमेशा बस लगे रहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, कौन सा देश अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो विश्व पर्यटन संगठन है इससे कौन हट गया है, रशिया हट गया है। एक्चुअली हुआ क्या, जो ये UNWTO है यानी विश्व पर्यटन संगठन है, इसने यूक्रेन के खिलाफ क्या किया, जो रशिया ने आक्रमण किया यूक्रेन के खिलाफ, तो उसमें इसने क्या बताया कि इसके जो UNWTO है, इसका जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, उसके साथ और इसके जो मौलिक उद्देश्य हैं उसके खिलाफ बताया। और इसने यही उसको कहा कि अब आपको क्या है, निलंबित करना चाहता है। UNWTO कहा कि इस संघर्ष के कारण वो रशिया को निलंबित करना चाहता है। और यह पहली बार है ऐसा जब ये विश्व पर्यटन संगठन ने अपने किसी सदस्य राष्ट्र के निलंबन पर चर्चा करने के लिए बैठक भी की है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो रशिया ने क्या कहा कि इनके निलंबन करने से पहले ही, जो ये विश्व पर्यटन संगठन है इसके निलंबन करने से पहले ही क्या किया, रशिया ने इस संगठन से हटने का खुद ही फैसला कर लिया कि आप क्या हटाएंगे हमें, हम खुद ही हट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किससे हटने का फैसला, मतलब ये रशिया हट गया है, खुद ही ऑटो ही हट गया है, कहाँ से, UNWTO से। अब हम बात करेंगे ये है क्या, ये संगठन की बात कर लेते हैं कि ये जो है संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक संगठन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में है, क्लियर। और ये ऐसा संगठन है, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आपके पर्यावरण स्थिरता, समावेशी विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, पर्यटन को बढ़ाता है। और ये भारत जो है, अगर भारत की बात करें कि भारत इसमें कब ऐड हुआ, तो भारत 1975 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का क्या बनता है, सदस्य बनता है। कब बनता है, 1975 में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि कब बनता है, 1975 में बनता है। और ये क्या, UNWTO के साथ, भारत में UNWTO के साथ काम करने वाली नोडल एजेंसी क्या है, वो क्या है, पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय। तो ये भी ध्यान रखना है। और हर साल क्या करते हैं, 27 सितंबर को, कब, 27 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है। और यही कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन मनाता है, कौन नेतृत्व करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा ही ये किया जाता है। और 2019 में अभी नई दिल्ली में भारत को मेजबान के रूप में चुना गया था इस समारोह के लिए। 2019 की जो मेजबानी की थी वो किसने की थी, भारत ने की थी, क्लियर। और उस समय जो थीम रखी गई थी पर्यटन और नौकरियां, सभी के लिए एक बेहतर भविष्य। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि जो यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये साल में तीन बार वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग क्या करता है, प्रकाशित करता है। साल में तीन बार ये रैंकिंग प्रकाशित करता है, टूरिज्म रैंकिंग। और इसमें ये बताया गया कि 2018 के अनुसार जो विश्व पर्यटन रैंकिंग का जो शीर्ष दस में से मैं टॉप आपको बता दे रही हूँ कि विश्व पर्यटन रैंकिंग में जो टॉप 5 आए थे वो फ्रांस, स्पेन, USA, चीन, इटली, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और भारत जो 2018 के अनुसार भारत में जो आने वाले विदेशी पर्यटक की संख्या थी सबसे अधिक किन देशों से आए थे, तो सबसे अधिक बांग्लादेश से, सेकंड अमेरिका, थर्ड यूके, फोर्थ श्रीलंका एंड फिफ्थ कनाडा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, और कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये जो संयुक्त यूएनओ है इसका इसके नवीनतम देश अभी कौन बना हुआ है, टोटल इसमें है कितने, पहले तो ये देख लेते हैं। 193 सदस्य देश हैं और 193वां जो बना है, 193 नंबर का जो बना है वो है साउथ सूडान। क्या बना है? साउथ सूडान। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कई बार चर्चा में तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल इसमें 193 सदस्य देश हैं और अभी नवीनतम ऐड हुआ है साउथ सूडान, और यहाँ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वें नंबर का जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स स्टार बना लीजिए का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जो 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स जो है 2022, ये कहाँ किया जा रहा है, भारत के मुंबई में किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा? 18 से 21 नवंबर तक चलेगा। और इसकी थीम देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, आपका सारा क्वेश्चन का आंसर यही मिल जा रहा है, 21वें नंबर का है और 18 से 21 नवंबर चलेगा मुंबई, भारत के मुंबई में चलने वाला। और इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। क्या रखी गई है? बिल्डिंग ट्रस्ट सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबल जो ये सतत विकास है इसके कितने लक्ष्य रखे गए हैं, इसके 17 लक्ष्य रखे गए हैं। कब से कब तक? 2015 से 2030 तक। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स जो स्टार्ट किया गया था, ये 1904 में स्टार्ट किया गया था, 1904 में स्टार्ट हुआ था। और इसे हर 4 साल में क्या करते हैं, इसका आयोजन होता है हर 4 साल में। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा लाइन कि हर 4 साल में इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। किस लिए? कि जो विचार है, नेतृत्व, उनका वैश्विक आदान प्रदान करने का क्या है, ये एक मंच होता है। और अगर बात करें कि जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान है उसका गठन कब हुआ था, 1 जुलाई 1949 को हुआ था, 1 जुलाई 1949 को। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली, नई दिल्ली भारत। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है देवाशीष, देवाशीष मित्रा, इंपॉर्टेंट है, देवाशीष मित्रा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के ये अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है, अनिकेत सुनील, अनिकेत सुनील तलाटी, क्लियर। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सचिव कौन है, तो जय कुमार बत्रा। सभी मैंने बता दिए हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत इस बार होस्ट करने वाला कहाँ पर होगा, मुंबई में। थर्ड क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा जिला हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा जिला हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100%, देखिए यहाँ लिखा भी है, सांबा जिला में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के लिए 100% परिवार कवर होना एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये कहाँ पर, कौन सा जिला है, सांबा जिला। और किस राज्य का है ये, जम्मू कश्मीर राज्य का है। तो जम्मू कश्मीर का जो सांबा है ये क्या की? ये इसमें 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इसमें ये है क्या, तो इसमें सभी जो नागरिक हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर हैं, उनके पास क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्या मिल गया है, क्या उसको कहते हैं गोल्डन कार्ड हो गया है। और ऐसी उपलब्धि पाने वाला सांबा जो है देश का पहला जिला बन गया है। ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत क्या है, जो लाभार्थी परिवार है, कौन से परिवार, लाभार्थी परिवार हैं, उनको क्या किया जाना है, उनको 5 लाख, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, क्लियर। ये जो योजना है दुनिया की सबसे बड़ी सरकार प्रायोजित, कैसी, सरकार प्रायोजित, सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत जो पंजीकृत हैं वो किसी भी अस्पताल में जाकर के 5 लाख रुपए, देश में कहीं भी, देश भर में कहीं भी पंजीकृत जहां है, मतलब पंजीकृत बस होना चाहिए वो, और 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराया जा सकता है। तो जो जिला सांबा है इसमें 62,641 क्या है, परिवार हैं, कितने हैं, 62,641 परिवार। और इनमें से जो हैं तीन, ये जो है 510, इतने लोग जो हैं इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत गोल्डन कार्ड के लिए क्या हैं, पात्र हैं,
क्लियर हो गया होगा। फिर क्या कह रहा है, ये जो सांबा है इसमें कुछ और बता दें। सांबा जो है, सांबा की अभी मैंने आपको रिव्यूज बताया भी था लास्ट के 3-4 दिन पहले के लेक्चर में, कि सांबा की जो पल्ली पंचायत है, सांबा की पल्ली पंचायत का जो पल्ली गांव है वो देश का कैसा है पहला सौर ऊर्जा गांव है, जिसका अभी 24 अप्रैल को क्या किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया था। क्यों 24 अप्रैल को किया गया था, क्योंकि 24 अप्रैल को क्या पंचायती दिवस मनाई जाती है। क्लियर। तो ये पल्ली पंचायत का पल्ली गांव देश जो है, ये देश का पहला सौर ऊर्जा गांव है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है सरकार द्वारा कैसी है, वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, ऑलरेडी बता दिया है। और इसमें क्या है, जो नागरिक हैं, इम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनभोगी हैं, उनको क्या किया जाता है, जो निजी और सरकारी अस्पताल है उसमें कैशलेस गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ क्या है मुहैया करवाई जाती हैं। और इसमें जो अस्पताल में जब वो भर्ती होते हैं तो उसके उसके जब वो अस्पताल में हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो उससे होने भर्ती होने से पहले होने से पहले 3 दिन और भर्ती होने के बाद 15 दिन तक जो खर्च शामिल होता है इसके तहत आते हैं। और इस योजना में कोई परिवार का आकार, उम्र, लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और इसमें पहले से मौजूद सभी शर्तें जो हैं पहले दिन से ही कवर की जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था जो कि मैंने डिस्कस किया है आपको। तो टोटल कितने कार्ड वहाँ सांबा जिले में किए गए हैं, 62,000 प्लस जो कार्ड है गोल्डन कार्ड वहाँ पर वितरित किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल कब आयोजित किया जाता है, तो ये कब आयोजित किया जाता है, 29 अप्रैल को। हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और क्या हुआ था, 1982 में जो आईटीआई की जो नृत्य समिति है, डांस कमेटी ऑफ आईटीआई, उसने क्या किया था, जो जीन जॉर्जस, पूरा नाम है इनका जीन जॉर्जस नोवरे, एक मिनट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया लिखने में, नोवरे क्या नाम बताया मैंने, जीन जॉर्जस नोवरे के जन्मदिन पर, के बर्थडे पर, ये हर साल क्या किया जाता है, 29 अप्रैल को ये नृत्य दिवस मनाया जाता है। किसने स्थापना की थी इसकी, आईआईटी ऑफ डांस कमेटी ऑफ आईआईटी, मतलब कि जो आईआईटी की नृत्य समिति है उन्होंने जीन जॉर्जस नोवरे के जन्मदिन पर हर साल 29 अप्रैल को मनाए जाने के लिए इसकी स्थापना की थी। और ये जो जीन जॉर्जस नोवरे हैं उनको आधुनिक बैलेट के निर्माता थे, ये एक आधुनिक बैलेट के निर्माता थे। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें बस वही है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य नृत्य का जश्न मनाना है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जातीय बाधाओं को पार करना है, लोगों को भाषा नृत्य के क्या करना है, एक करीब लाना है लोगों को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग नृत्य की बात कर रहे हैं तो नृत्य देख लीजिए, जैसे गिद्दा, गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आपके ये सारे हैं। और अगर बात करें भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, कथकली कहाँ का है, केरल का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक कहाँ का है, नॉर्दर्न इंडिया का है, सत्रिया का है, असम का है, तो ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, विजय सांपला को नियुक्त किया है। तो विजय सांपला को क्या किया गया है, लगातार दूसरी बार ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरी बार किया गया है यानी कि पुनर्नियुक्ति हुई है, नहीं तो पुनर्नियुक्ति नहीं है, दूसरी बार इसलिए कहा गया है, यहाँ पर दूसरी बार इसलिए ऐड किया गया यहाँ, क्योंकि ये क्या किए थे, जो फगवाड़ा से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने फगवाड़ा से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सांपला इस मतलब जब चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने क्या किया था, यहाँ से इस्तीफा दे दिया था, यहाँ के ये चेयरमैन थे, कहाँ के, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ये
क्या थे, अध्यक्ष थे, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ, चुनाव तो लड़े लेकिन ये हार गए। अब क्या हुआ, फिर से इन्हें केंद्र सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ये जो अनुसूचित NCSC, ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये किस आर्टिकल के तहत आता है, ये आर्टिकल 338 का ही बार अपने लेक्चर में यह मैंने आपको बता दिया है। अब तो आपको रट गया होगा, कुछ चीज़ें तो रट गई होंगी जो देख रहे होंगे रेगुलर वीडियो। तो आर्टिकल 338 से संबंधित है, और आर्टिकल 338 का ए जो है ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा। और ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है, और एक कैसा है, एक भारतीय संवैधानिक निकाय है ये। क्लियर। और ये अनुसूचित जाति आयोग जो है, इसकी अगर संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 अन्य सदस्य होते हैं। क्लियर, 3 अन्य सदस्य होते हैं। और बात करें और इनकी जो नियुक्ति होती है कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और जो अभी मैंने बताया कि 338 के ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये 338 ए है, यानी कि किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया होगा। तो बिल्कुल ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखना है, 89 नंबर का है, 89-2003 के तहत 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का गठन किया गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक और बता दे रही हूँ, 338 का बी ये किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, 102 अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। और इसमें क्या ऐड किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें नहीं, इस 338 का बी जो संशोधन हुआ 102, इसमें ये किया गया कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। क्लियर, तो अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो ऐसा कौन सा है जो सीवर सिस्टम लगाने वाला ये देश का पहला शहर बन गया है, तो देश का पहला शहर, इसका आंसर गायब कर दिया गया, ये है आगरा। आगरा, आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा है वो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। और इन वैक्यूम का यूज़ क्या किया जाएगा, इनका यूज सार्वजनिक स्थान पर किया जाएगा। और यहाँ पे जो नगर निगम ने क्या किया है, ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को क्या किया है, वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है, जहाँ पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बस आपको पूरा नहीं ध्यान देना, बस ये ध्यान देना कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाले देश का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो यूपी का आगरा बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल, जो यूपी पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं और देख लेते हैं। तो हाँ, और एक अभी कल या परसों के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि देश का ऐसा कौन सा पहला जिला है जहाँ पर हर गांव में क्या है, पुस्तकालय है, वो कौन सा है, जामताड़ा। कहाँ का है जामताड़ा, झारखंड का, तो ये मैंने बताया था। चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्या है, चटगांव बंदरगाह चर्चा में किस देश में स्थित है। जो चटगांव, इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं कि ये आखिर क्यों चर्चा में है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये चटगांव बंदरगाह कहाँ का है, बांग्लादेश का है। तो जो ड्रैगन है, अब ड्रैगन नाम लिया, तो ड्रैगन का नाम लिया, तो ये ड्रैगन किससे संबंधित है, चाइना से संबंधित है। क्लियर, तो ये जो चीन है, ड्रैगन है, ये भारत का जो पड़ोसी देश है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये वहाँ पर क्या करना चाहता है, अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है, और उसको अपनी उपस्थिति ला लेकर के वो क्या करना चाहता है, जो इंडिया है हमारा, जो भारत है, उसको घेरने की ये लगातार कोशिश करता रहता है। तो और बहुत सारे जो हमारे पड़ोसी देश है वो चीन के झांसे में भी आ गए हुए हैं, जैसे कि श्रीलंका को एग्जाम्पल ले लीजिए, आज वहाँ पर खाद्य आपातकाल तक लग चुका है, ऐसी कंडीशन उसकी आ गई है कि क्या है, श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यही बात भारत के अन्य पड़ोसी देशों की भी बात करें तो जैसे कि क्या है आपका ये श्रीलंका देख लीजिए, श्रीलंका बता दिया, जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, पाकिस्तान देख लीजिए। तो ये क्या करता है चाइना, लोगों को, इन लोगों को क्या करता है, अपने ऋण के जाल में फंसाता है, ट्रैप में फंसाता है, जाल में फंसाता है, और इतना कर्ज लाद देता है, इतना कर्ज लाद देता है कि उसके पास अब चुकाने का तो ऑप्शन रहता नहीं है, फिर उसका एक ही ऑप्शन रहता है कि उसको क्या करे, वहाँ पर अधिकार अपना कर ले, और अधिकार करके क्या करना चाहता है, वो भारत को घेरने की नीति रखता है।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इतनी पूरी। तो इसमें आखिर ये चर्चा में आया क्यों? चलो ठीक है, ये बांग्लादेश को भी वो, तो यहाँ की जो जो हैं ये क्या नाम है इनका, शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना ये आती हैं, जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं इनसे मिलती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि ये जो हमारा चटगांव बंदरगाह है इसको आप क्या करिए, ये कहती हैं कि जो चटगांव बंदरगाह है इसको आप क्या करिए, लीज पर ले लीजिए। इससे लीज पर ले लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, चलिए चलिए मैंने आपकी बात मान ली, अब इससे होगा क्या? तो इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, दोनों पड़ोसी जो देश हैं यानी आप और हम जो हैं, इससे क्या होगा, संपर्क बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, सहमति बन जाएगी, और इससे हमारे जो पूर्वोत्तर, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे कि असम देख लीजिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मेघालय नागालैंड, ये सब जो हैं ये क्या कह रही है कि ये जो हमारे जो पूर्ववर्ती राज्य हैं भारत के, उनको अपने देश के मुख्य बंदरगाह यानी चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने की क्या की है इन्होंने, प्रस्तावना पेश की है, इस्तेमाल करने की पेशकश की है। और बांग्लादेश के जो दक्षिण पूर्वी चटगांव बंदरगाह है, अभी लोकेशन दिखा दूंगी कि है इमेज, अभी दिखा दे रही हूँ कहाँ पर लोकेशन एग्जैक्ट उसका, तो इसका जो दक्षिण पूर्वी चटगांव बंदरगाह है उसका उपयोग करने से क्या होगा, भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको फायदा होगा, और यदि संपर्क बढ़ाया जाएगा तो इससे जो असम और त्रिपुरा हैं पूर्वोत्तर राज्य, असम और त्रिपुरा जैसे, उनको चट्टोग्राम में मतलब ये जो आपका चटगांव है इसको बंदरगाह तक बहुत बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। चटगांव बंदरगाह जो ये बांग्लादेश का है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, और ये किस नदी के किनारे है, कर्णफुली, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, किस नदी के किनारे है, कर्णफुली नदी के तट पर ये चटगांव शहर में स्थित है। यहाँ से देखा जाए तो ये जो बंदरगाह है यहाँ बांग्लादेश के निर्यात आयात व्यापार का 80% इस बंदरगाह से होता है, जिसका यूज़ भारत, नेपाल, भूटान द्वारा ट्रांस शिपमेंट के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। अभी जब मैं वो दिखा दूंगी, मैप दिखा दूंगी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये जो चटगांव है, और ये जो जो जिस नीति के तहत क्या नाम है वो चीन घेरना चाहता है भारत को, उसका क्या नाम है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति। तो भारत भारत को चौतरफा घेरने की नीति को ही क्या कहते हैं, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला का नाम दिया गया है। और ये क्या है, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है ये उसके चीन के सिल्क रूट का हिस्सा है, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने कहा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत, तो कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत, एक मिनट, इसमें क्या है, ये भारत को घेरने के लिए चीन ने क्या किया, पाकिस्तान का ग्वादर ले लेता है, मैप में आप लोग देखते रहिए, पाकिस्तान का ग्वादर ले लिया बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा तो 99 साल के लिए लिया हुआ है लीज पर, म्यांमार का भी देख लीजिए, म्यांमार की लोकेशन भी देखते रहिए। तो अभी देखिए ये मोतियों की माला एकदम बन जा रही है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वो देखते चलिए। मालदीव का क्या है, फेयदू फिनहल्लू, ठीक है, ये है। तो इसको, इस द्वीप को चीन ने अपना क्या किया, बेस बनाया है, और इसी कड़ी में वो बांग्लादेश के चटगांव में भी अपना बेस बनाना चाहता है। तो इसी के लिए ये यहाँ पे आई हैं और इनसे कह रही हैं कि आप क्या करिए, ये हमारा लीज पर ले लीजिए। तो ये आपको एकदम बहुत ही अच्छे से, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने, ये मैंने बता ही दिया कि ये किस नदी के किनारे, नदी ध्यान रखिएगा किस, और ये जो है राजधानी, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां से करीब 250 किलोमीटर दूर है, कर्णफुली नदी तट पर स्थित है। और 2019 में जो बंदरगाह के रूप में इसका कौन सा स्थान था, चटगांव का 58 नंबर का था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMF द्वारा हाल ही में जारी अप्रैल 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2022-23 में ने भारत की जीडीपी की वृद्धि दर से संबंधित अपने पूर्व अनुमान को घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो कितना परसेंट कर दिया है, घटा करके 8.2% कर दिया है, यानी इसके पहले कितना था, तो इससे पहले जब जनवरी में रिपोर्ट आई थी तब इन्होंने क्या अनुमान लगाया था, 9% लगाया था, लेकिन 9% से अभी घटा करके ये क्या कर दिया, 8.2% कर दिया गया है। IMF, ये जो पहले ये ध्यान रखना है कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, एक मिनट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो IMF के द्वारा जारी होती है, कौन जारी करता है, IMF जारी करती है, ठीक
ठीक है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करती है, ये आपको ध्यान रखना। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडक्वार्टर से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, वाशिंगटन DC है। और अभी क्या कर दिया, इसको घटा करके 8.2% कर दिया है। और हाँ, ये IMF में कितने देश हैं, अभी कल भी मैंने डिस्कस किया था, फिर रिविजन करवा दे रही हूँ, 190 देश हैं। और जो अभी मतलब क्या बना है, हाल ही में बना हुआ है, उसका नाम है एंडोरा, जो नवीनतम ऐड हुआ है उसका नाम है एंडोरा। और इसकी जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, SDR है। इसकी जो मुद्रा है उसका नाम SDR है। SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो विशेष आहरण अधिकार। SDR में कितनी मुद्राएं शामिल हैं, तो चार हैं, डॉलर, पाउंड, येन, युआन, यूरो। क्या कहा मैंने, इसमें कितनी शामिल है, पांच मुद्राएं हैं, डॉलर, पाउंड, येन, युआन और यूरो। तो इसमें युआन जो है ये अभी हाल ही में शामिल हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलने से पहले आपको बता दूं कि जो ये IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों को जुड़वा संस्थान कहा जाता है। जुड़वा संस्थान, तो पूछ सकते हैं कि जुड़वा संस्थान है किसको किसको कही है, IMF और वर्ल्ड बैंक को कही है। और इन दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन से हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पूरे विश्व की, 1 मिनट, पूरे विश्व की ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया गया है, पूरे विश्व की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है 22-23 में, तो वो लगाया गया है 3.6%। ये भी ध्यान रखना है, 3.6% लगाया गया है। और ये जो था उसको पहले कितना लगाया गया था, 4.4% लगाया गया था, जिसे घटा करके 3.6% कर दिया गया है। अमेरिका में कितना कहा गया, अमेरिका में कितना रहेगा, 3.7% रहेगा। रशिया में कितना रहने वाला, -8.5% रहने वाला, ये माइनस में चलेगा, तो ये भी ध्यान रखना है, रशिया का माइनस में चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का यूज़ करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है, तो वो कौन सी है, ये है आपकी इंडिगो। तो इंडिगो जो है भारत इंडिया की जो दिग्गज एयरलाइन कंपनी है उसका नाम है एयर कंपनी इंडिगो। तो इंडिगो एयर कंपनी इंडिगो ने पहली बार क्या किया है, गगन सिस्टम का इस्तेमाल करके सफल लैंडिंग करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। और इसमें जो ATR-72 है, ATR-72 एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ATR-72 एयरक्राफ्ट, तो इसमें इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इस एयरक्राफ्ट में इस तकनीकी का यूज़ किया गया है। और राजस्थान में कहाँ पर लैंडिंग की गई है, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में है किशनगढ़, राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर क्या किया गया है, इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई है। और कौन सा, किस तकनीकी मतलब एयर, ये जो ATR-72 एयरक्राफ्ट में इस तकनीकी का यूज़ किया गया है। और इस नई तकनीक को क्या है, GPS एडेड, यानी कि कहते हैं इसको GPS एडेड को, जियो, और GPS का फुल फॉर्म जियो, GPS एडेड की अगर बात करें तो जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसका नाम दिया गया है। 1 मिनट फिर से बता रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप। इसमें क्या किया गया है, इस नई तकनीक को GPS एडेड ऑगमेंटेशन नेविगेशन गगन नाम दिया गया है, तो ये आपको ध्यान। और इस तकनीकी को जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लियर, और किसका, इंडियन स्पेस, यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इसको संयुक्त रूप से विकसित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंडिगो देश की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है जिसने सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया है, और ये क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस सफल लैंडिंग के बाद अब भारत जो है एशिया का पहला देश बन गया है जिसके पास क्या है, ऐसा सिस्टम है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे मिला, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन बिल्डिंग क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे मिला है, तो किसे मिला है, अटल सुरंग को मिला है। ये पुरस्कार किसे दी गई है, अटल सुरंग को दी गई है। अब अटल सुरंग है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, किस दर्रे पर बनी है, रोहतांग दर्रे पर बनी है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो किस कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रे में है, कौन से मार्ग पर है, तो लेह मनाली मार्ग पर है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को,
ले मनाली मार्ग पर है, ले मनाली मार्ग पर है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्या किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के जो रोहतांग में बनी हुई है सड़क, रोहतांग में बनी किसके द्वारा बनाई गई है, बीआरओ के द्वारा, बीआरओ के द्वारा। तो ये नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। और बीआरओ के महानिदेशक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और बात करें कि NATM, NATM का मतलब न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यूज़ करके ये सुरंग बनाई गई है। कौन से मेथड का यूज़ करके, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यूज़ करके ये सुरंग बनाई गई है। और 3 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसको क्या किया गया था, राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना। और अटल सुरंग के बारे में तो मैंने सब बता दिया कि लेह मनाली रोड और रोहतांग दर्रे पर बनाई गई, कितने किलोमीटर की, ये भी ध्यान रखिएगा, 902 किलोमीटर। ये अभी BRPSS में मैंने जो लेक्चर प्रोवाइड किया था, मैंने टेस्ट सीरीज, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से। और ये जो एक मिनट, और जो BRO मैंने अभी नाम लिया, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये भी ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और अभी एक क्वेश्चन और मैंने डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण BRO के द्वारा किया जा रहा है, कहाँ पर और उस दर्रे उसका नाम क्या है। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा कौन, BRO, किस नाम से, शिंकुला दर्रा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन भी ये, कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार 1 मई से ग्रहण करने वाले हैं। तो कौन करने वाला है, इनका नाम है BS राजू। क्या नाम है, BS राजू। चलिए BS राजू तो ठीक है। अगर ये पूछ ले फुल फॉर्म आ जाए, अब इसका पता ना हो आपको तो फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या है, बग्गा वल्ली सोमेश्वर राजू। तो लेफ्टिनेंट जनरल बग्गा वल्ली सोमेश्वर राजू यानी BS राजू को थल सेना का नया उपप्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये 1 मई 2022 को क्या करेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। और ये किस मतलब रेजिमेंट से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जाट रेजिमेंट से हैं, जाट रेजिमेंट में ये कमीशन इनको किया गया था पहले 15 दिसंबर 1984 को। तो ये किस रेजिमेंट से, जाट रेजिमेंट से, ये भी ध्यान रखना है। और ये बताइए कि थल सेना के तो ये हो गए, अब थल सेना अध्यक्ष कौन है, उनकी भी अभी नियुक्ति हाल ही में हुई है, तो उनका नाम है मनोज पांडे। मनोज नाम से 3 लोगों की नियुक्ति हुई है अभी हाल ही में, तो कंफ्यूज नहीं होना। मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे किस नंबर के हैं, 29वें नंबर के हैं। अगर पूछ ले मनोज सोनी तो UPSC के अध्यक्ष, मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष। और अगर पूछ ले मनोज कुमार कटियार तो ये क्या है, ये सैन्य अभियान निदेशक DGMO के पद को संभालेंगे 1 मई से वो भी। तो ये पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं रिविजन करते हैं फटाफट कल का। UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, डेविड अटनबरो। वैश्विक टीकाकरण सप्ताह का 2022 का इस बार का विषय क्या है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। भारत के द्वारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक जीते गए हैं, 17। केरल ने कॉस्मॉस माला वारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, नीदरलैंड। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किससे चुना गया, मैक्स वर्स्टोपेन को। किस देश में हाल ही में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पता चला है, चीन। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया जा रहा है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। WTO का 12वां मैत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून कहाँ किया जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हाल ही में औषधि महानियंत्रक ने कौन सी COVID-19 टीकों को मंजूरी दी, कोर्बेवैक्स। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल ही में किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती को रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है, ओडिशा। तो चलिए आज का हो गया है, चलिए आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए मैंने मैप बोला था, ये है आपका चटगांव बंदरगाह, चटगांव जो कि देखिए बंगाल की खाड़ी को टच कर रही है, तो इसी के थ्रू चीन क्या चाहता था, भारत पर कंट्रोल करना चाह रहा था। और हाँ ये श्रीलंका, ये आया है न्यूज़ में कि श्रीलंका ने क्या किया है, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने भाई प्रधानमंत्री, जो उनके भाई प्रधानमंत्री, उनको पद से हटाने के लिए राजी कर लिया है। तो क्या नाम है, देखिए श्री मैत्रीपाला सिरिसेना ने राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद कहा, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस बात से सहमत हो गए कि नए प्रधानमंत्री के नाम से एक राष्ट्रीय परिषद नियुक्त की जाएगी और मंत्रिमंडल में सभी राजनीतिक दलों के सांसद शामिल होंगे। तो ये आपको देख लेना है, मैंने दे दिया है। और
ये देखिए द शॉर्टकट टू नॉर्थ ईस्ट, अब अगर ये सहमति बन जाती है कि जो प्रस्ताव लेकर के आई हैं, क्या नाम है, हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं हसीना शेख, तो इससे ये बताया गया कि एक क्या हो जाएगा, शॉर्टकट रास्ता मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ये भी दे दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये थल सेना के उपप्रमुख हैं ये नियुक्त किए गए, ये भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से और पसंद भी आ रहा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।